हमारा देश भारत जो अपनी संस्कृति के साथ साथ मंदिरों की खासियत के लिए भी जाना जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो अपने आप में ही एक अजूबा है, जिनमें हर जगह अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वैसे तो अभी तक आपने बहुत से मंदिरों के बारे में सुना या देखा होगा, लेकिन क्या आप ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जिसमें देवी देवता की नहीं बल्कि मेंढक की पूजा की जाती है? जी हाँ, है ना हैरानी वाली बात कि मंदिर में मेंढक की पूजा, लेकिन क्यों? ये अनोखा मंदिर है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के ओयल कस्बे में, जहाँ इसे मेंढक मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ मेंढक की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि ये जगह ओयल शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के शासक भगवान शिव के उपासक थे। इस कस्बे के बीच मंडूक यंत्र पर आधारित प्राचीन शिव मंदिर भी है। ये क्षेत्र चहमान शासक, जिन्हें हम चौहान वंश के नाम से जानते हैं, 11वीं सदी से 19वीं सदी तक के अधीन रहा था। चहमान वंश के राजा बख्श सिंह ने ही इस अनोखे मंदिर का निर्माण कराया था। कहते हैं कि इसे तंत्र विद्या के आधार पर बनाया गया है, इसलिए मंदिर की दीवारों पर शव साधना करती हुई तस्वीरें देखने को मिलती है, जिसकी वास्तु परिकल्पना कपिला के एक महान तांत्रिक ने की थी। इसलिए मंदिर की दीवारों पर शव साधना करती हुई तस्वीर देखने को मिलती है। तंत्रवाद पर आधारित इस मंदिर की वास्तु संरचना अपनी विशेष शैली के कारण लोगों का मन मोह लेती है। जानकारी के अनुसार ये मंदिर करीब 200 साल पुराना है। हर मंदिर की तरह इस मंदिर के बनने को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। उसमें से एक ये भी है कि सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मेंढक मंदिर में दीपावली के अलावा महाशिवरात्रि पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव एक बरसाती मेंढक की पीठ पर विराजमान है और मेंढक उनकी रखवाली करता है। हमेशा सर्पों से घिरे रहने वाले शिव जी की रक्षा में कभी मेंढक की जरूरत पड़ सकती है, ये सोच में हैरानी कर देने वाली बात है। लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि ये एकदम सच है और पूरे भारत में ये इकलौता अनोखा मंदिर है जहाँ शिव की रक्षा एक मेंढक करता है। आपको बता दें कि जिस गांव में ये मंदिर स्थापित है, यहाँ के लोग भगवान विष्णु की जगह शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग शैव प्रजाति के हैं।